हेलो बच्चों, क्लास सिक्स में हम लोगों ने साइंस में साइंस का दूसरा चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोगों ने शुरू किया था। कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद फैट्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद विटामिन्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, मिनरल्स के बारे में पढ़े थे। आज इसका लेक्चर नंबर सिक्स है। आज इसका लेक्चर नंबर सिक्स है और आज हम पढ़ने वाले हैं रफेज और डाइट्री फाइबर्स के बारे में। आपको अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पढ़ाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके शरीर को क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन आपके शरीर को क्यों ज़रूरी है, विटामिन्स आपके शरीर को क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल क्यों ज़रूरी है, ये कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल हमको कौन कौन से भोजन में पाया जाता है, कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, शरीर के लिए क्या काम करता है, इन सारी बातों पर हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रफेज या डाइट्री फाइबर के बारे में। रफेज को हम लोग रेशा बोलते हैं। आप बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें रेशा मौजूद होता है, तो सुनते हैं। तो रफेज इज द पार्ट ऑफ फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स बट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। समझिएगा, पौधा का ऐसा बहुत सारा भाग हम लोग खाते हैं जिसमें रेशा मौजूद है, जिसमें रफेज मौजूद है। इस रफेज में कोई दूसरा पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर में भोजन को पचाने में काफी मदद करता है। रफेज में प्रोटीन्स नहीं है, रफेज में विटामिन नहीं है, रफेज में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, रफेज में फैट नहीं है, यह सिर्फ रेशा है। इसका काम सिर्फ भोजन को पचाने में मदद करता है। बहुत सारे पौधे, ये हमेशा याद रखिए, बहुत सारे पौधों के भाग को हम लोग खाते हैं, उन सब में रेशा है। जैसे कि हम लोग मूली खाते हैं, खीरा खाते हैं, सेब खाते हैं, खट्टे बहुत सारे रसदार फल खाते हैं, संतरा वगैरह, है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग अनाज खाते हैं, है ना, इन सभी चीजों में रेशा मौजूद है, इन सभी चीजों में रफेज मौजूद है। रफेज दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब वैसा रफेज जो घुल जाता है, इनसॉल्युबल का मतलब वैसा रफेज जो घुलता नहीं है। तो सॉल्युबल रफेज, तो ये पानी में घुल जाता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में काफी मदद करता है। खून के दौरान हमारे शरीर के अंदर सभी नसों में खून हमेशा दौड़ते रहता है, तो खून जो दौड़ रहा है उसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन में ये काफी मदद करता है। जैसे सेब आप खाते हैं, है ना, चावल आप खाते हैं, तो इनमें जो रेशा है, वो जो रेशा है वो सॉल्युबल है, वो पानी में घुल जाता है। इनसॉल्युबल रफेज, तो वैसा रफेज जो पानी में नहीं घुलता है, है ना, जैसे कि जो पूरा आप अनाज खाते हैं ना, मूली खाते हैं, बंधा गोभी खाते हैं, तो इन सभी चीजों में चना खाते हैं, तो उसका जो रेशा है वो घुलता नहीं है, है ना। और ये इनसॉल्युबल रफेज है, इसकी वजह से ये, क्योंकि ये कड़ा होता है, हार्ड होता है ना, लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि इससे अगर आपको ये पानी में घुलता नहीं है तो कभी कभी इसकी वजह से तो ये जो इनसॉल्युबल रफेज है, अगर ये आप नहीं लेते हैं, अगर आप ये नहीं खाते हैं, तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। कब्ज हो जाता है ना, टॉयलेट नहीं होता है, तो कब्ज की प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आपके शरीर में ये जो इनसॉल्युबल रफेज है ये नहीं है। तो इनसॉल्युबल रफेज आपकी आंतों से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकलने में काफ़ी मदद करती है। आगे देखते हैं, रफेज हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है। तो इट हेल्प द फूड टू पास इजिली थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दस हेल्प इन डाइजेशन। यानी कि ये जो रफेज है हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जैसे कि मुंह, फूड पाइप, उसके बाद लीव, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सब में से भोजन को गुजरने में, पास करने में ये काफ़ी मदद करता है, यानी कि ये पाचन में भी मदद करता है। उसके अलावा इट कंट्रीब्यूट टू द बल्क ऑफ द फेसेस एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद ये हमारे शरीर के अंदर जो कब्ज हो जाता है कभी कभी, तो कब्ज को होने से ये रोकता है, कब्ज नहीं होने देता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग वाटर एंड मेंटेनिंग हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल।
इसके अलावा ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखता है, पानी को ना बहुत बढ़ने देता है ना बहुत घटने देता है। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, ब्लड शुगर होता है, बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी होती है, तो ब्लड शुगर का जो स्तर है उसको भी ये मेंटेन रखता है, ना बहुत बढ़ने देता है ना बहुत घटने देता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अस फीलिंग फुल। उसके बाद ये हम लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस करने में मदद करता है, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। क्यों? क्योंकि आप जो खाते हैं अगर वो सही तरीके से पचता है, आपका पेट सही रहता है, आपको कब्ज नहीं होती है, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड रहता है, आपके शरीर में पानी जो है वो बैलेंस्ड रहती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो रफेज बहुत सारे मायनों में आपकी बहुत तरीकों से हेल्प करता है, यानी रफेज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना में जो है सलाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि सलाद में पूरी तरह से वो रफेज ही है। चाहे प्याज आप खाते हैं, मूली आप खाते हैं, गाजर खाते हैं, इन सभी चीज़ों में रफेज बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। रफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये खुद जो है वो आपके डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। अब हम आप आज हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के बारे में कि वाटर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। तो समझिएगा, एक इंसान को बिना भोजन के कुछ दिनों तक वो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। यानी इंसान का जो शरीर है उसमें लगभग 70-75% हिस्सा जो है, परसेंट जो है वो सिर्फ पानी है। अब पानी हमारे शरीर को आखिर क्यों ज़रूरी है, पानी हमारे शरीर की कैसे मदद करता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, मतलब जो हम जो खाना खाते हैं उस खाना में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है बहुत तरह का। तो अगर हम पानी पीते हैं तो पानी जाता है, तो जब भोजन पचता है तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो पानी में घुल जाता है। कौन न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट थ्रू न्यूट्रीन एंड स्वेट। इसके अलावा शरीर के अंदर बहुत सारी हानिकारक चीज़ें हैं, तो ये जो पानी है उन हानिकारक चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। या तो वो पसीने के रूप में निकलेंगे या तो वो पेशाब के रूप में निकलेंगे, तो वो सारी बेकार चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को ये शरीर से निकालने में पानी मदद करता है। तो पानी पियेंगे तब ना पसीना आएगा। इट हेल्प टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा ये हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है, शरीर का टेम्परेचर। जैसे कि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि बुखार आ गया, तो शरीर का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा भी होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। तो शरीर का टेम्परेचर को ना बहुत बढ़ने देता है ना बहुत घटने देता है कौन? वाटर। यानी इसीलिए कहा जाता है कि पानी आपको दिन में कम से कम 5-6 लीटर पीना चाहिए, पानी से बहुत फायदा होता है। इट कीप्स आवर स्किन मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। ये हमारे स्किन, हमारा जो स्किन है उसको आपको नमी युक्त रखता है, स्किन को सूखने नहीं देता है, स्किन में नमी को बनाए रखता है। इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट गैसेस एंड केमिकल्स इन द बॉडी। इसके अलावा इसका काम है हमारे शरीर के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है, केमिकल है या कोई भी चीज़ है, ये शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है ना। पानी, यानी कि पानी हमारे शरीर को बहुत सारे, बहुत मायनों में मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को ना बढ़ने और ना बहुत घटने देता है, मेंटेन रखता है, ये स्किन को नमी युक्त और मुलायम बना करके रखता है। इसके अलावा शरीर में बहुत सारी चीज़ों को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुँचाने में ये मदद करता है। यानी पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी सभी तरह के फल और सब्जियों में काफ़ी मात्रा में पानी होती है। इसके अलावा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हर रोज़ कम से कम 6-8 गिलास तक आपको पानी पीना होगा, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ा रफेज और डाइट्री फाइबर के बारे में और वाटर के बारे में। अब आपके बुक में पेज नंबर 24 में आपको सबसे ऊपर में 1 और 2 सवाल दिए गए हैं ब्रीदर के रूप में। एक गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग है, उसमें 6 सवाल हैं। उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसमें 5 सवाल हैं।
तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको बना करके सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपना भेज देंगे, और जो भेजेंगे वो अपना नाम लिख देंगे। आप जो कॉपी पर बनाइएगा तो उसका फोटो खींच करके भेजते हैं, तो अपना नाम साथ में लिख दीजिएगा। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।